प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। नागरिकता कानून पर सरकार से सच्चाई जानने की मांग करने वाली कांग्रेस को मोदी ने करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता कानून पर फैलाए जाने वाली अफवाहों के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया और देश के मुसलमानों को सच्चाई समझने को कहा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और उसके साथी अर्बन नक्सली एनआरसी पर देश के मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर का डर दिखा रहे हैं, जबकि उनकी सरकार बनने के बाद से आज तक एनआरसी शब्द की कभी चर्चा तक नहीं हुई। उन्होंने कहा, डिटेंशन सेंटर में भेजने की बात तो तब होती है जबकि देश में डिटेंशन सेंटर हो, लेकिन हमारे देश में तो कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। पीएम ने कांग्रेस को वोट बैंक के लिए राजनीति करने वाली पार्टी बताया। कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस सत्ता से दूर है तो उसने फिर से बांटने का अपना पुराना हथियार निकाल लिया है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे माँ भारती के संतान हैं, उन्हें नागरिकता कानून और एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। एनआरसी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अर्बन नक्सल की साजिश बताया। उन्होंने कहा, इस देश में एनआरसी को लेकर झूठा प्रचार किया जा रहा है। हमने तो कोई एनआरसी बिल नहीं बनाया है, इसे न तो संसद में लाया गया और न ही कहीं कैबिनेट के सामने। इसके लिए कोई नियम कानून भी नहीं बनाया गया है, तो फिर ये झूठ कौन फैला रहा है? उन्होंने इन अफवाहों के लिए कांग्रेस और उनके साथी अर्बन नक्सलियों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में सारा मामला स्पष्ट कर दिया। अब कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के पास एनआरसी और नागरिकता कानून पर सरकार से सफाई मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें ये मान लेना चाहिए कि जिस तरीके का भ्रम इन लोगों ने फैलाया, उससे हिंसक आंदोलन हुए हैं, और जैसे जैसे इनकी हकीकत का पता चलेगा, वैसे वैसे इनके गुनाहों की सजा इन्हें मिलेगी, वैसे वैसे जनता इनके गुनाहों की सजा इन्हें देगी।